संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अष्टमी गाथा के संदर्भ में मैंने पूरा पढ़ा इसको अच्छी तरह से, और अब कुछ ऐसा बचा नहीं है जो कुछ कहने लायक हो। 10 व्याख्यान हो चुके, 5 तो देवलाली में, 5-6 व्याख्यान यहाँ हो गए, तो अब कुछ ऐसा बचा नहीं है जो विशेष नया कहा जा सके। फिर भी थोड़ी एक बात है, निकालो आप इस पे शास्त्र है ना, पेज नंबर 142-143। तैतालीस के सबसे नीचे प्रश्न है, मोह के नाश के लिए आत्मा के समान ही परमात्मा को जानना है, क्योंकि दोनों के जानने में जानना है कि दोनों के जानने में कुछ अंतर है। इसमें लिखा था ना कि इन दोनों में दिव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से कुछ अंतर नहीं है। तो वो कहते हैं कि इन दोनों को जानने की बात आप कहते हो, लेकिन जानने में कोई फर्क है क्या कि दोनों को एक सा ही जानना है? इसके उत्तर में कहते हैं, क्या अंतर है? क्योंकि परमात्मा को तो मात्र जानना ही है, जानते ही नहीं रहना है, उसी में लीन नहीं हो जाना है, किंतु आत्मा को जानकर उसे जानते ही रहना है, उसी में जम जाना है, उसी में रम जाना है। परमात्मा का जानना तो एक सीढ़ी मात्र है, गंतव्य नहीं, पर आत्मा को मात्र जानना ही नहीं है, निज रूप जानना है, उसी में अपनापन स्थापित करना है, उसी में समा जाना है। ये अंतर है दोनों में। इसमें आता ना, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्यानंद पूजे, तो हम समझते हैं कि हमें परमात्मा का ध्यान करना है, लेकिन ध्यान तो हमें आत्मा का ही किया जाता है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा का तो सिर्फ जानना उपयोगी है। यदि आपने जान लिया तो बार बार जानने से भी कोई खास प्रयोजन नहीं है। आपकी श्रद्धा में आ गया, उनका सर्वज्ञता और वीतरागता का ख्याल में आ गई, समझे ना, वस्तु का स्वरूप आपके ख्याल में आ गया, सब कुछ सुनिश्चित है, ये बात ख्याल में आ गई और हमारी श्रद्धा में ये बात बैठ गई, तो परमात्मा को जानने का उद्देश्य हमारा पूरा हो गया, है ना। लेकिन आत्मा में को जानना है और जानते रहना है। जानना माने ज्ञान और जानते रहना माने ध्यान। तो ध्यान करने की जो चीज है वो अपना आत्मा है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो स्पष्ट पर है ना, और पर का ध्यान करेंगे तो क्या उससे होने वाला है? पहली दफे अपन ने उसे जाना तो ज्ञान होगा, परमात्मा संबंधी ज्ञान होगा ना। फिर बार बार जानते रहेंगे निरंतर, तो बहुत से बहुत पुण्य बनेगा बस। और कर्म तो करेंगे नहीं उससे, ख्याल नहीं ना, उसे कर्म नहीं करेंगे। इसलिए स्थिरता और अपनापन, ये दो चीजें आत्मा में ही करना है। तीन चीजें हैं ना, दर श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। तो ज्ञान का गेय तो स्वपर दोनों है, इसलिए आत्मा भी है और परमात्मा भी है। लेकिन सिद्धे और ध्येय तो सिर्फ अपना आत्मा है। तो श्रद्धा माने उसमें अपनापन स्थापित करना और उसी का ध्यान करना, ये दोनों आत्मा के ही होते हैं, परमात्मा के नहीं। अब कहीं लिखा हो कि परमात्मा का,
तो अपना आत्मा भी तो परमात्मा है ना, ये उत्कृष्ट आत्मा है, ये अर्थ भी परमात्मा का होता है। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत आत्मा है, ये अर्थ भी परमात्मा का होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर अरहंत रूप पर परमात्मा की बात चल रही है वो उसकी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे शब्दों के चयन में ऐसे बारीकी से ध्यान आचार्यों ने भी नहीं रखा है, ऐसा भेद विज्ञान आचार्यों ने भी नहीं किया है। कहीं भी उसके लिए भी परमात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, इसको भी कारण परमात्मा तो कहते ही है ना। परमात्मा दो प्रकार के, कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा। तो कारण परमात्मा अपने भगवान आत्मा को बोलते हैं, और जो कार्य रूप प्रकट हो गए हों अनंत सिद्ध भगवान उन्हें पर कार्य परमात्मा बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों में अंतर है। परमात्मा के ध्यान से तो पुण्य बंध होता है, पर आत्मा के ध्यान से कर्म कटते हैं। कितना बड़ा अंतर है देखो। है मिथ्यात्व का नाश होता है, मूलतः तो आत्मा को ही जानना है, और परमात्मा को आत्मा को जानने के लिए जानना है। आत्मा निज रूप है और वह निज रूप से ही जाना जाता है, तथा परमात्मा पररूप है और उसे पररूप से ही जाना जाता है। इस प्रकार इन दोनों में जानने में बहुत बड़ा अंतर है। यदि परमात्मा को हमने जाना और उसे निज रूप जान लिया तो गलत हो जाएगा, वो तो पररूप है ना। तो जो भी पर पदार्थ जितने भी होंगे वे सिर्फ ज्ञान के गेह मात्र हैं, उससे आगे की मर्यादा उनकी नहीं है। और अपना आत्मा में तो अनंत गुण अपने में समर्पित होना है, श्रद्धा में इस रूप में कही मैं हूँ, चारित्र में निरंतर उसमें उपयोग उसी में लगा रहे इसमें ये हूँ। और एक उपयोग और लब्धि और उपयोग होता है, और एक परिणति और उपयोग होता है। यहाँ पर कोई अभी प्रवचन में बोल रहा था तो वो परिणति और उपयोग को, लब्धि और उपयोग को इसमें भेद नहीं कर पा रहा था। मैंने सुना ध्यान से, जब ज्ञान गण की मुख्यता होती है ना, तो उपयोग जो है वो ज्ञान दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग अठ चतुर्णान दंशन, आठ प्रकार का ज्ञानोपयोग और चार प्रकार का दर्शनोपयोग, जब वो उपयोग होता है तो उसके साथ लब्धि और उपयोग ये दो शब्द रखते हैं। जब ये होता है शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग शुभोपयोग अशुभोपयोग, जब उपयोग के ऐसे भेद होते हैं तब उनमें परिणति और उपयोग लगता है। ये ख्याल में है, किन किन को ख्याल में था, हाथ उठाओ। मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं है। जब यहाँ पांच पांच साल हो गए तो मैंने कई दफे इसको स्पष्ट किया है, तो ख्याल में तो होना चाहिए, लेकिन ये अत्यंत उपयोगी चीज है इनका भेद समझना। क्योंकि परिणति में चारित्र गुण की मुख्यता मुख्य रहती है और लब्धि में ज्ञान गुण की मुख्यता रहती है। जैसे अपन बार बार कहते हैं कि उसके वो उपयोग में नहीं था, लब्धि ज्ञान में मौजूद था। कभी कभी लोग लब्धि ज्ञान को शक्ति रूप समझते हैं, लेकिन शक्ति रूप अलग है और लब्धि ज्ञान अलग है और उपयोग अलग है। तीन चीजें अलग अलग हमें समझना चाहिए। शक्ति रूप तो हमें अभी लोकालोक को जानने की है, मैंने शक्ति रूप से तो अभी केवल ज्ञान विद्यमान है। इसका जो वर्णन आता है, कुछ हमारे मोक्षों ने इसको ऐसा समझ लिया कि केवल ज्ञान अभी है, अभी नहीं है केवल ज्ञान। क्या
वो शक्ति रूप का मतलब है केवल ज्ञान प्रकट हो ऐसी शक्ति हम में है, सर्वज्ञत्व शक्ति जिसे हम बोलते हैं, ख्याल में आई ना। अब परिणति और उपयोग, लब्धि और उपयोग, तो लब्धि माने वो क्षयोपशम रूप से विद्यमान है, माने वो प्रकट पर्याय में है वो चीज। आपने जितना भी पढ़ा है आगम शास्त्र में पढ़ करके जो भी आपको ज्ञान हो गया है ना, तो वो हर ज्ञान 24 घंटे उपयोग में तो नहीं रहता। जब अपन विधान कर रहे तो विधान के उपयोग में रहता है। चैत्यालय कहाँ कहाँ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम भूगोल को देखते हैं, है ना। और बाकी का ज्ञान समय सार प्रचन सार जो जो आप पढ़ते हैं वो ज्ञान वो लब्धि रूप में रहता है, मतलब वो प्रकट पर्याय में है अभी, हमें उसे जानने में शक्ति नहीं है। वो कभी भी उपयोग में आ सकता है, हमारा उधर को उपयोग जाएगा तो वो उपयोग में आ जाएगा और फिर वो निकल जाएगा इस वक्त, माने वो तो हमारी तिजोरी में रखी हुई रकम है कि चाहे जब हम उठा रहे जेब में रखी हुई रकम है। और केवल ज्ञान तो शक्ति रूप है, वो ऐसा उठा के निकाला नहीं जा सकता है। और टोडरमल जी ने और आचार्यों ने ऐसा लिखा कि यदि केवल ज्ञान ऐसा होता जो अंदर में होता और ऊपर से पर्दा पड़ा है ज्ञानावरणी कर्म का, तो कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म तो कारमान वर्णा से बरगना से बना है। वो कारमान वर्णा तो कितनी सूक्ष्म है, सुमेरु पर्वत जैसी इतनी स्थूल पदार्थों के पीछे के पदार्थों को भी केवल जब ज्ञान जान लेता है तो ज्ञानावरणी कर्म से वो कैसे ढक सकता। एक मलमल के कपड़े को से सूरज की को ढका जा सकता है, ये जरा सा दीपक होता है ना उसे नहीं ढक सकते, वो भी अंदर से बोलता रहता है, उसका भी उजेला प्रकाश आता रहता है। अब परिणति और उपयोग क्या बात है, जैसे दो कषाय का अभाव हो गया, तीन कषाय का अभाव हो गया मुनिराज को, मुख्य रूप से मान लीजिए छठवें गुणस्थान वाले एक मुनिराज हैं। अब वो इस वक्त उपयोग तो उनको सास लिखने में है, पढ़ने में है, पढ़ाने में है, और कदाचित अपने शिष्यों का अनुशासन करने में भी है, जैसे अकंपनाचारी ने और श्रुत सागर के पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी, है ना। वो किस भाषा में की, वो उनने स्वीकार करी के उनने करी, ये अलग मुद्दे हैं। उसके लिए जो मैंने कहानी लिखी है ना कि उन्हें कहना नहीं पड़ा अकंपनाचारी को कि तुम जाके वहीं खड़े रहो, बल्कि उनने जिस तरह चिंता प्रकट की अपनी काय की संघ की, उसमें से उनने खुद समझ लिया कि संघ की सुरक्षा का उपाय ये है कि मुझे वहीं जाके खड़ा होना चाहिए। ये अकंपनाचारी का निर्णय नहीं था, ये श्रुत सागर का निर्णय था, ऐसा मैंने अपनी कहानी में लिखा है। जबकि पहले जो कहानियां पाई जाती हैं उसमें अकंपनाचारी का निर्णय था और उन्होंने बड़ी कठोरता से कहा कि तुम जाओ वहीं खड़े रहो, तुमने अपराध किया है उसका दंड तुमको ही भोगना चाहिए। बात तो एक ही हुई, परिणाम तो एक ही निकला, सुत सागर को वहां खड़ा होना पड़ा। लेकिन अकंपन जैसे आचार्य के मुख से, सुत सागर जैसे महान योग्य तुम शिष्य के लिए ऐसा आदेश देना चाहते थे वो, लेकिन इतना सहज नहीं था, इतना सरल नहीं था कि उनसे वो इस भाषा में बात करते, तो इसकी जरूरत नहीं थी। इतनी सभ्यता तो आज के राजनीतिक लोगों में होती है, कोई मिनिस्टर होता ना केंद्र का बड़ा, जैसे वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, तो प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि कल से हमने तुमने हटा दिया है, निकाल दिया है, तुम चार्ज संभलवा दो।
उनको ये कह देंगे आप त्याग पत्र दे दीजिए, क्या और त्याग पत्र दे दीजिए, ये भी सीधे नहीं कहते हैं, क्या अपने कोई अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति से कहलवाते हैं और वो जाकर इस भाषा में बात कहता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप त्याग पत्र दे दें, क्या मैंने ये नहीं कि उनका ऑर्डर है आप त्याग पत्र दे दीजिए, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप त्याग पत्र दे दें और वो त्याग पत्र दे देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, ऐसी रस्सा कस्सी नहीं होती है। जो अयोग्य लोग होते हैं, असभ्य लोग होते हैं, सत्ता के प्रति चेटने वाले होते हैं, उनमें वैसे भी होती है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, गंभीर लोग होते हैं, उन लोगों में ऐसा होता है। तो मैंने तो उस कहानी में सिर्फ उस कहानी के उसको नहीं बदला, परिस्थितियों को नहीं बदला, कि उन्होंने माफ कर दिया कि नहीं तुम तो हम बैठो, हम सबके बीच में बैठो, हम चारों तरफ घेर के बैठेंगे और देखें तुम्हें कोई क्या करता है, ऐसा नहीं किया। हम अपेक्षा ऐसा करते हैं कि नहीं करते, कैसी जैसी जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी ना, तो 7 महारथियों ने उसे घेर कर बीच में सुरक्षा का घेरा बनाया था कि देखें वो क्या मारता है, हम हैं, हम साथ में बनाया था। तो ऐसा उनको सुरक्षा का घेरा बना के नहीं बैठा, उन्होंने क्या किया, आदेश दिया। तो वो स्थिति कुछ भी रही हो, मेरे कहने का मतलब, लेकिन उसका दोनों का अर्थ एक ही है। तो 3 कषाय का अभाव हमारी परिणति में हो गया, 6वें गुण स्थान में कोई मुनिराज हैं, अब वे उस समय अकंपनाचारी ऐसा आदेश दे रहे हैं और उनको इस बात का बहुत दुख है कि आज मैं अपने एक उत्कृष्टतम शिष्य को एक खतरे में डाल रहा हूं। परिस्थितियां बाद में क्या हुई वो एक अलग बात है, जब उनने आदेश दे दिया था तब ऐसा होगा ये कोई नहीं जानता था, कम से कम संघ में लोग नहीं जानते थे, केवल भगवान तो जानते ही होंगे। तो जैन धर्म में ऐसा कोई विश्वास भी नहीं करता है कि हम कोई एक मंत्र फंतर पढ़ेंगे पर ये ऐसा हो जाएगा और उसके ऐसा मारेंगे तो ऐसा हाथ खिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी 1% भी। तो उस अब आप उसको सोचो कि बिल्कुल मरने के लिए ही भेजा था जैसा समझ लो आप, है ना। तो इतना कठोर आदेश देना 3 कसाय के अभाव वाले व्यक्ति को बहुत कठिन काम है, 3 कसाई वाला तो कुछ भी कर सकता है। अनंतान मंदी प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान कसाय है ही नहीं, संजुलन कसाय है अकेले, लेकिन उस संजुलन कसाय का उदय तीव्र है, इसलिए वो काम तीव्र कसाय का काम था। वो क्या काम, उनको वो आदेश स्वीकार ही करना कि वो कहते मैं जा रहा हूं तो अच्छा तुम जाओ, कोई काय का काम था तीव्र कसाय का, नहीं नहीं आप तीव्र कसाय क्यों कह रहे हो उसे, अरे मैं कहता हूं जो समय साल लिखा है एक काय का काम था, बोलो बोलो अभिनंदन जी, ये भी तीव्र कसाय का काम था, समझ में आ गया तुम्हारे, क्यों, क्योंकि 3 कसाय तो है ही नहीं, और जो है वो 6वें गुण स्थान में उसका तीव्र ही उदय होता है, तब जब उसका तीव्र उदय होता है तब 6वां गुण स्थान होता है, समझे ना। तो संजुलन कसाय में जब उनको जो राग आया था समय साल लिखने का, वो कैलाश जी वो काय का काम है, अभी दुनिया से कहो तो लड़ पड़े वो, आप कुंड को तीव्र कसाई कह रहे हो, और समय साल उन्हें बहुत गुस्से में लगा होगा, हम तो बहुत गुस्सा करें तो उसे तीव्र कसाई कहते हैं, वो कहते हैं उनकी तो बहुत
ऐसी प्रवृत्ति दिखेगी आपको कि जिनको कसार है ही नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं आगम कहता है कि छठवां गुणस्थान ही तीव्र होता है। सातवें गुणस्थान की परिभाषा लिखी है ना गोमरसार में, तो लिखा है ना संजुलन नो कसायो उदयो मंदो जदा तदा होदी। संजुलन नो कसाय का उदय जब मंद होता है तब होदी अपमत्तो, तब अपमत्त गुणस्थान होता है। ये मंद और तीव्रता और अभाव, इन दोनों में बहुत फर्क है, हम वो नहीं समझ पाते हैं। मैंने एक आध दिन संलेखना के प्रकरण में भी ये बात कही थी कि उनने लिख तो दिया, क्या लिख दिया, सम्यक काय कसाय लेखना संलेखना, भले प्रकार से काय को और कसाय को कम करना वो संलेखना है। तो सम्यक दर्शन जिसको नहीं है, सम्यक दृष्टि को ही संलेखना होती है, मिथ्या दृष्टि को संलेखना नहीं होती। जब ऐसी बात कहते हैं तो लोग ये कहने लगते हैं कि मिथ्या दृष्टियों को संलेखना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अरे भगवान कहते होती नहीं है, तू कहता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हमने भगवान की आज्ञा के विरुद्ध तुझको कुछ कहें। फिर भी हमने लिखा है अपनी किताब में कि ऐसा पढ़कर जो अज्ञानी जीव हैं उन्हें भी संलेखना से विरक्त नहीं होना चाहिए। तो होती नहीं है तो फिर ऐसा लिखने का क्या मतलब, मतलब वो भी अपना मरण तो जैसा भी संभव उससे होगा वो सुधारे ना, क्या कि और तीव्र कसाय करके मरे, मरे कहने का मतलब उसके होगी कि नहीं होगी वो तो आगम बताएगा, लेकिन उसे अपने मरण समय में अपने परिणामों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। समझ में है ना, ये बात लिखी है, लेकिन इससे का मतलब ये नहीं है यदि वो प्रयास करेगा तो सफल हो जाएगा, क्योंकि वो तो मिथ्या तो जाएगा तब अनंतानंदी कसाय जाएगी। अब तो कसाय को कृष करने का तो अभी कोई उसके पास साधन ही नहीं है। यद्यपि लिखा है श्लोक में कि भोजन आदि त्याग कर देह को कृष करे और स्वाध्याय करके कसाय को कृष करे, तो कसाय मंद हो जाएगी, लेकिन मंद होना अभाव होना नहीं है। मंद होना तो तीव्रता और मंदता तो स्वभाव में ही पड़ी है, एक सी तीव्र और एक सी मंद हमेशा नहीं रहती है, हर अंतर मुहूर्त में मंद से तीव्र और तीव्र से मंद होती ही रहती है, शुभ से अशुभ अशुभ से शुभ ऐसा होता ही रहता है। इसलिए कसाय का कृष होने वाली बात तो वहां होने वाली नहीं है। अब उसे रोटियां बंद करके भूख वहीं मार सकते हो, मैंने उस पर तुम इतना वजन दे रहे हो है? अपन को सब तरह से जगत से निवृत्ति लेकर सबसे माफी मांगकर और सब मतलब शांत परिणाम से अपने जीवन को देह छूटे और दूसरी देह में हम जाएं, शास्त्रीय भाषा में उसे संलेखना कहेंगे या नहीं कहेंगे इसका निर्णय जहां होता होगा होता रहेगा, हमको तो अपनी प्रवृत्ति में ऐसा करना ही चाहिए। तो इसलिए ये कहते हैं वो उपयोग, देखो अब एक बात और कि परिणति जितना भी आप एक बंध विच्छुत्ति वगैरह होती है ना वो परिणति के आधार पर होती है, यानी छठवें गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई, इतनी प्रकृतियों का आबंध है, इतने प्रकृतियों का बंध होगा, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है, तो वो परिणति के आधार पर होता है। तो हम जब कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो गया तो उसके 41 प्रकृतियों का बंध तो होगा ही नहीं, वो उसके अभाव के ही आधार पर कहते हैं ना, परिणति में इतनी शुद्धि है तो इतनी प्रकृतियों की बंध भी छुट्टी है, तो वे प्रकृतियां सबसे ज्यादा खतरनाक प्रकृतियां हैं, तो बहुत बड़ा बंध तो रुक गया है, तो वहां वो कसाय करता भी दिखाई दे। मान लो हम
अभी अपनी कहानी को एक तरफ रख दें और अकंपन आचार्य ऐसा ही कह रहे हों कि जाओ तुम वहीं खड़े हो जाओ, तो भी हो सकता छठवें गुणस्थान में। वो तो लिखा तो है ही शास्त्र में, तो अपन ने तो उसको सभ्य भाषा में वो किया है, मेरा मतलब समझे ना, तो वो लिखा है ना, तो उस समय भी उन्हें कम बंद होगा। और ये चौथे गुणस्थान वाला आत्मा का अनुभव कर रहा है तो भी उसे ज्यादा बंद होगा अनुभव के काल में, फिर अनुभव से तो बंद होता ही नहीं, वो नहीं होता। लेकिन जितनी प्रकृतियों की तो मतलब उस वक्त भी बंध का निर्णय उस परिणति की शुद्धि के आधार पर होता है, उपयोग के आधार पर नहीं होता, क्योंकि उपयोग तो एक चंचल प्रवृत्ति का नाम है, एक क्षण में ऐसा, क्षण में ऐसा, क्षण में ऐसा, वो परिणति और उपयोग वाली बात है, वो चारित्र वाली बात है, वो जो लब्धि और उपयोग है ये जानने वाली बात है कि लब्धि ज्ञान में है और उपयोग में 24 घंटे नहीं रहता है, होता ना। अभी हम आपसे पूछें तो आप कहते जरा मैं सोचता हूँ, और फिर अपन उपयोग लगाते हैं ना उधर, तो फिर याद आ जाता है और हम बता देते हैं, और तत्काल उपस्थित नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लब्धि ज्ञान में वो है, लब्धि ज्ञान में भी नहीं होता तो हम उपयोग में नहीं आ सकता था। और टोडरमल जी ने तो ऐसा लिखा कि उससे क्षयोपशम का क्षयोपशम, लब्धि ज्ञान को क्षयोपशम बोलते हैं ना, वो लब्धि और उपयोग को क्षयोपशम बोलते हैं, तो उस क्षयोपशम में ही ऐसी योग्यता पड़ी है। कैसी? कि एक आदमी को 5 गांव जाने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति में साथ में ये शर्त भी लगी है कि एक समय में एक गांव, उसे 5 गांव में जाने की शक्ति है तो वो प्रत्येक समय में एक साथ 5 गांव नहीं चला जाएगा, समझे ना, एक समय में एक गांव। तो वास्तव में शक्ति माने वो लब्धि रूप शक्ति 5 गांव जाने की है, लेकिन वो एक समय में एक ही गांव जाएगा तो उसका उपयोग एक ही गांव में होगा। क्या इन हमारे 5 इंद्रियों से जानने की हमने शक्ति है, लेकिन एक समय में एक ही को जानेंगे। हम तो देखे आंख से देख रहे, कान से सुन रहे, तो देखा कि नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये कौवे की आंख जैसा इतनी तेजी से बदला बदली होती है कि हमें पता नहीं लगता है, लेकिन जब हम सुनते हैं, जब देखते नहीं हैं, और जब देखते हैं तब सुनते नहीं हैं, सारा जगत अपनी बात ही नहीं मानेगा, हम तो देखते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। फिर साथ में खाना भी खाते रहते हैं, कोई ना कोई चबाते रहते हैं, पान चबाते रहते हैं, हम तो 5 इंद्रियों का काम एक साथ कर लेते हैं, लेकिन अपने साथ कहते हैं कि नहीं नहीं वो ये नहीं करना, खाना नहीं, क्योंकि यदि आप 5 चबाते हुए प्रवचन सुनेंगे तो प्रवचन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पान भी आपके उपयोग को खाएगा। जब 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 वो पान आपके ज्ञान का गेय बनेगा तब तब आपको जो हम समझाएंगे वो आपके ज्ञान का गेय नहीं बनेगा, तो चूंकि वो बहुत स्वादिष्ट है तुम्हें बहुत अच्छा लगता है तो बार बार बनेगा ज्ञान का गेय। खुला करके आने की क्यों जरूरत है, इसलिए जरूरत है, आसान है ना। अपने यहाँ कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ परमात्मा के ध्यान से तो पुण्य बंद होगा, पुण्य का बंद होता है, पर आत्मा के ध्यान से कर्म करते हैं मिथ्यात्व का नाश होता है। मूलतः तो आत्मा को ही जानना है देखो, और परमात्मा को तो आत्मा को जानने के लिए जानना है, आत्मा निज रूप है और उसे निज रूप से ही जाना जाता है, तथा परमात्मा पर रूप है उसे पर रूप से ही जाना जाता है। इस प्रकार इन दोनों में के जानने में बहुत बड़ा अंतर है, कोई जानने से काम हो जाएगा, करना कुछ भी नहीं है, यदि कुछ भी नहीं करना है तो काम होगा कैसे।
एक एक प्रश्न आजकल बहुत चलता है मुमुक्षुओं गैर मुमुक्षुओं में, वो मुमुक्षुओं पर यही आरोप लगाते हैं, ये तो अकेले जानने की बात करते हैं, और करना है धरना तो कुछ है नहीं, यानी वो समझते हैं व्रत उपवास करें, दान दें, पूजा पाठ करें तो ये करना है, और ये पढ़ना है, ये अकेले जानना है, तो वो कहते ये हमें दो ही धर्म करना है, तो ये पढ़ लिया, स्वाध्याय भी कर लिया एक घंटा, और बाकी भी कर लिया, और पांच इंद्रियों के विषयों का त्याग भी कर दिया। तो वो कहते हैं कि आत्मा का मुख्य काम तो अकेला जानना ही, वो कहता है कि जानना ही ये काम हो जाएगा तो और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कहते आत्मा का तो एक ही काम है और वो है जानना, क्योंकि जानने से तो जानने का काम होगा। वो कहते काम कैसे होगा, आप समझ, मतलब जानने के काम के को वो काम ही नहीं गिन रहा, तो जानने से जानने का काम होगा ये मानते हुए भी कहता, पर आखिर काम कैसे होगा। वो तो ये कहता है कि यहाँ से सामान बाहर ले जाना है, बाहर का सामान इधर आना है, अब ये तुम पूरी जानने जानने की बात करते रहोगे तो ये सामान वहाँ ले जाना है ना, फिर के डिब्बे में रखना पड़ेगा क्या नहीं, और वहाँ जाना पड़ेगा क्या नहीं, तुम इसकी बात ही नहीं करते हो। तो आचार्य क्या कहते हैं, पूरे जानने से काम हो जाएगा कि करना कुछ भी नहीं है, यदि कुछ भी नहीं करना है तो काम होगा कैसे। अरे भाई जानना भी तो एक काम है, और आत्मा का तो एकमात्र काम जानना ही है, क्योंकि यह आत्मा परिघ में तो कुछ कर ही नहीं सकता, अपने सुपर प्रकाशक स्वभाव के कारण यह आत्मा पर को तो मात्र जान ही सकता है, पर में तो जानने के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जानना एक काम नहीं, जानना एक काम नहीं, अपित क्या जानना एक काम नहीं, माने एक जानना भी काम है और दस काम है। तो कहते आत्मा का जानना एक काम नहीं है, अपितु आत्मा का काम तो एकमात्र जानना ही है। मुनिराज क्या करें, जंगल में बैठे बैठे करें, काम नाम तो कुछ है नहीं, बस अपने बैठे रहते हैं आराम से। माने वो जानने का निरंतर काम करते हैं ना, तो वो ध्यान जिसे अपन बोलते हैं, असली काम तो वो ही है, मोक्ष तो उससे ही होगा, केवल ज्ञान तो उससे ही होगा। तो कहते भाई वो तो अंतर्भूत तक जानने से काम हो जाता है, अभी तुम 24 घंटा जानने की कहो, बात तुम ठीक कहते हो, अंतर मुहूर्त में ही होगा काम तो, लेकिन वो अंतर मुहूर्त तक लगातार जानना, 24 घंटे जानने का काम ही करेंगे और सब काम अपने काम में से निकाल के क्रॉस कर देंगे तब कभी वो आएगा। क्यों बाहुबली ये कहते कि मैं क्या खड़े ही रहूं, अपने और काम निपटा लूं, जानने तो अंतर मुहूर्त का काम है तो चाय जब कर लूंगा तो एक साल में भी नहीं होता। आदिनाथ ऐसा सोचते ना तो उन्हें एक बरस में केवल ज्ञान हुआ था, कितना हुआ था, 1000 बरस में, 1000 बरस में भी नहीं होता। एकमात्र जानने का काम रखा तो भी लगातार अंतर मुहूर्त तक एक साथ जानना नहीं हुआ। पर हम तो और 50 काम अपने माथे पर ओढ़ करके, और वे काम कैसे जिनमें हमारा कभी कुछ चलता ही नहीं, जिनमें हमने कभी कुछ किया ही नहीं, जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, वे काम अपने माथे पर रखकर, और फिर कहते हम अब जानने का काम करेंगे कि वे तो तुम्हारे काम होने ही नहीं है क्योंकि तुमसे होते ही नहीं है, और ये जानने का काम और बिगड़ जाएगा। अब आप सब इससे भी ये जानने का काम और बिगड़ जाएगा। जानना एक काम नहीं, अपितु आत्मा का काम तो एकमात्र जानना ही है ना, ब्लैक ब्लैक लाइन में है, तुम्हारी किताब में देख रहे हो तो। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि यहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों को जानने की बात कहकर यह भी कह दिया है कि आत्मा का स्व और पर दोनों को क्या
आत्मा स्व और पर दोनों को जान लेता है, क्योंकि आत्मा स्व है और परमात्मा पर है। कब कहते हैं कि हम तुमने तो पर को भी जानने की बात कही ना, तो हम अपने बाल बच्चों को जान लेंगे, हम बगीचा में घूम आएंगे, हम बम्बई देख लेंगे, जयपुर देख लेंगे। कहते नहीं, आप दो का कही ना, स्व और पर, तो स्व में अपने आत्मा को देखो और पर में परमात्मा को देखो, मैं तुम्हारे दोनों हो गए। हमें दो काम करने हैं तो भी बस तुम्हारा काम इतने महीने बढ़ जाता है, फिर भी तुम्हें इस दुनियादारी के कामों में जाने की तो बात ही नहीं है। देखो, इतना तत्व ज्ञान अपन वर्षों से इसका अभ्यास कर रहे हैं, है ना, वो बड़ी पक्की श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, अभिनंदन जी कर रहे हैं ना, फिर भी हमारे चारों तरफ के वातावरण में सभी, हम भी इसको काम नहीं मानते। आज तो हमने कुछ नहीं किया, बस वह पढ़ते रहे, दिन भर पढ़ते ही रहे, हमने कुछ नहीं किया। ये क्या है, ये हमारी भाषा क्या बोल रही, बोलो। घर वाले तो कहते ही हैं, ये तो कुछ करते नहीं, एक गिलास पानी उठा के नहीं पी सकते। जिस दिन हम एक गिलास पानी उठा के पी लेंगे, उस दिन हम कुछ करने वाले हो जाएंगे। क्या दिन भर पढ़ते रहते, ऐसे पढ़ते रहने से थोड़ी काम हो जाता है। माने ऐसा कोई दूसरा नहीं, हम ही कहते हैं, ये कह रहे हैं, अपने बारे में कमेंट्स करते हैं, तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या अब मैं आपको क्या बताऊं, ज्यादा आज तो मैंने नहाया तक नहीं, पढ़ते ही रहा था। आने में इतना आलसी हूं, इतना नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जिस दिन सब कुछ किया उसको कुछ नहीं किया में गिनते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा में अभी तक वो घुसा नहीं है कि आज ही मैंने कुछ किया है और बाकी के रोजाना मैं कुछ नहीं करता हूं। ये जो मैं आपको अंदाज लगवा रहा हूं, अपने अपने लेवल पर सोच के एक करना है? एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है कि आत्मा और परमात्मा दोनों को जानने की बात कहकर यह भी कह दिया है कि आत्मा स्व और पर दोनों को जान लेता है, क्योंकि आत्मा स्व है और परमात्मा पर है। इस तरह यह भी प्रतिफलित होता है कि मिथ्यात्व के नाश के लिए स्व आत्मा और पर परमात्मा दोनों को जानना अनिवार्य है। पर को जानने को निरर्थक बताने वाले लोगों को उक्त तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। तीन तरह के लोग हैं, एक तो वो जो ये कहते हैं कि पर को आत्मा जानता ही नहीं है, और दूसरे वो जो कहते हैं कि पर को जानना बेकार है, उसे कोई काम का नहीं है, और तीसरे वे नहीं स्व और पर दोनों को ही जानना, सुने ना, पर को जानना बेकार नहीं, वो भी सार्थक है। तीन तरह के लोग हैं, अब आप उनमें कौन हैं, अब आप सोचना चाहिए। अभी तक डिसीजन नहीं किया होगा, तो अभी मैं थोड़ा आपको सहयोग करता हूँ डिसीजन करने में। जो कहते हैं कि पर को आत्मा जानता ही नहीं है, वो तो रिजेक्ट ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर सुपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है। फिर ये कहते हैं ये तो है कि जानता तो है, लेकिन बंद ही होगा, आत्मा की प्राप्ति तो उससे होगी नहीं। और अभी ये कहा था ना, परमात्मा को जानेगा तो पुण्य बंधेगा, कहा था ना, ख्याल में आई ना, इसमें से वो ये निकालता है। जबकि परने को जानना बंध का कारण नहीं है, समझ में आया ना दादा, ख्याल में आए, तो परस्पर विरोधी दो बातें सुन ली, पर को जानना बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि पर को जानना बंध का कारण होगा तो वो स्वभाव नहीं हो सकता। स्वभाव बंध का कारण कभी नहीं होता, वो सुपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है। तो फिर कौन सा पुण्य बंध कैसे होगा परमात्मा को जानने से, कि वो जो जानने का विकल्प है, पुण्य बंध तो उससे होगा, वो जानने से नहीं होगा।
सहज भाव से जो जानना स्वभाव है और उसमें वो जानने में आ जाए, उससे कोई ना पुण्य बंद होता है ना पाप बंद होता है। अब इसी वो जी लगेगा, अभी पुण्य मिल रहा था वो भी गया, वो तो उसको उपलब्धि समझ रहा था, और हम तो इसलिए सफाई दे रहे हैं कि हम समझते हैं गले पड़ गया है, बंद बंद हो गया ना बंद। हम कह रहे बंद नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव से कभी बंद नहीं होता। तो हमें जब तुम्हारा विधान करने से पुण्य भी नहीं बनेगा, धर्म तो गया ही, पुण्य भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बने, आपको बंधना है ना, बनेगा बनेगा जरूर बनेगा, लेकिन उसमें तुमने कुछ किया ही नहीं, उसको करने का जो राग है उससे बनेगा। तो परमात्मा को जानने से नहीं बनेगा, परमात्मा को जानने का जो राग है उसी वक्त राग, उस राग से बनेगा। तो एक द्वेग जो पर को जानते ही नहीं वो गलत, और दूसरे जो ये कहते हैं कि पर को जानना बंध का कारण है वो भी गलत। पर को जानना तो स्वभाव है, अब वो क्या, पर को जानना स्वभाव है तो जैसे हम अंतर्मुहूर्त तक आत्मा को जानते रहेंगे तो सम्मय दर्शन हो जाएगा, मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा, ऐसे ही हम पर को जानते रहेंगे लगातार अंतर्मुहूर्त तक, तब भी हो जाना चाहिए। तुम कहते तो नहीं होगा, पर क्यों, पर को जानने की जो रुचि है वो राग है। अब क्या कहते, जानना और जानने के साथ में उसको रुचि होना, उसे काम करने की भावना होना, वो दोनों में फर्क है। अब या तो हम उनको पूरा निषेध कर देते हैं जानने का है, और क्या हम ये कहते जानो, और या नहीं जानो कहते हैं, ये जानने से तुमको बंद होगा, फिर ये समझाने लगते हैं परमात्मा को जानने से भी पुण्य बंद होगा। उसको ये भूल जाते हैं परमात्मा तो क्या, आपको मैं क्या बताऊं, लेटरिन बाथरूम को जानने से भी बंद नहीं होता, क्या मतलब समझे ना मुनिराज, ईर्या समृद्धि पूर्वक चार हाथ देख के चलेंगे कि नहीं, तो रास्ते में कांटे माटे होंगे तो उसे देख के बचाएंगे, मन कीड़े तो बचाएंगे ही कांटे भी बचाएंगे, और मलमूत्र पड़ा होगा तो उसे देख के बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, तो बिना देखे बचाएंगे कि देख के, तो उस वक्त देखने में वो आ गए, जानने में आ गए, कौन क्या आ गए, मलमूत्र लेटरिन, तो उसे कर्म बन जाएंगे। तो कैसी गंदी बात कर रहे थे, यहाँ तो भगवान की बात कर रहे थे, भगवान को जानते जानते लेटरिन की बात कर रहे थे, उन दोनों के परत्व होने में क्या फर्क है, समझे ना, भगवान भी पर है और लेटरिन भी पर है, इतने शर्म नहीं आती है, क्या तुलना कर रहे, अरे ये वस्तु का स्वरूप है, ये कोई गंदी बात नहीं है। फिर तो ऊपर अमल मल भरे हो भीतर कौन विधि घट सूचक है, ये भी गंदी बात हो जाएगी, लेकिन ये तो आप पूजा पाठ में बढ़ाते हो, वही पूजा करोगे तो पुण्य का बंद होगा है, ये पंक्ति बोल के जग्गा गा के भैया पूजन करोगे तो पुण्य का बंद होगा, बोलते कि नहीं बोलते, तो ये भी तो मलमूत्र की बात है। देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें ये लिखी हैं, हाँ तुम्हें घर पे शांति से बैठ के पढ़ने लायक बातें हैं, क्या हाँ, उनको जानने में रस होगा तो गारंटी से होगा उस रस से बंद, लेकिन रस नहीं है, वे जानते नहीं, उनके जानने में आ जाते हैं, वे जानने जाते नहीं है, उन्हें जानने का कोई विकल्प नहीं है, है ना। पर के जानने को निरर्थक बताने वाले लोगों को उक्त तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। ये जो मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ जो इसमें लिखा है कि उसको जानने से उसका निरर्थक नहीं है, वो परमात्मा का जानना तो आत्मा को जानने के लिए जरूरी था, निरर्थक कहाँ था,
जो जानत अरहंतम दब्बत गुणत पजयते ही सो जानत अपाणो अपाणम मोहो जादि खलु तस् लयम। तो ये उसके जानने के लिए जरूरी था। अभी कहाँ है निरर्थक, ये अरहंत का जानना निरर्थक है क्या? सार्थक है ना, बता रहे ये काम हो गया तेरा पर कदम आत्मा को जानने के लिए। अब तू तो उनमें ही जम के रह गया, जय जयनाथ परम गुरु होकर के जान लिया ना तुमने अनंत के स्वभाव को, सर्वज्ञता को जान लिया है, तो अब अपने अपना काम कर, अपने में जा। तो कहते नहीं नहीं मैं जानूंगा तो मैं ढाई घंटे का तीन घंटे का विधान करूंगा, बढ़िया भगवान तुम्हारी स्तुति करूंगा, ये करूंगा ये करूंगा, एक 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 गुण है। गुण भेद में जाना तो विकल्प है। मोह के नाश के लिए सुनो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए परमात्मा को मात्र जानना है। देखो जानने के अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि वे तो हमारे मात्र गेय हैं और कुछ नहीं। ध्यान रहे यहाँ यह नहीं लिखा है कि उन्हें जानना भी नहीं, क्योंकि वे पर हैं। अभी याले निकल लगे तुम मना कर रहे थे, मना क्या कर रहे हैं? जानना तो है, लिखा है, लेकिन जानते नहीं रहना है, समझे ना। जानकर अपने को जानना और अपने को जानकर उसमें जमना। यहां तो उन्हें जानने की बात डंके के चोट पर लिखी है और उन्हें जानने का फल आत्मा को जानना बताया है, अकेला बंदे ही नहीं बताया है, समझे ना। आत्मा के जानने पर मोह का नाश होता है, इस प्रकार प्रकारांतर से अरहंत के जानने को मोह के नाश का उपाय भी बताया गया है। एक आदत लगा दो, है ना, इसलिए तो उसे उपचार बोलते हैं, एक डायरेक्ट एक उपचारित कथन। आत्मा का कार्य मात्र जानना है। देखो पढ़ने लगा कहाँ पढ़ रहे अपन है, स्वपर को जानना है आत्मा, इसलिए मात्र जानो 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 और जानो। पर को जानो, स्वा को जानो, स्वपर को जानो, पर से भिन्न स्वा को जानो, जानो जानते रहो, अपने को अपना मानकर जानते रहो, लगातार जानते रहो और कुछ भी नहीं करना है। इसी से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र सभी हो जाएंगे, और न केवल दर्शन मोह का अपितु चारित्र मोह का भी नाश हो जाएगा। तुम स्वयं पर्याय में भी भगवान बन जाओगे, स्वभाव से तो भगवान हो ही, पर्याय में बनना है सो इसी स्व को जानते रहने से पर्याय में भी भगवान बन जाओगे, सर्वज्ञ विद्रागी हो जाओगे। ये देखो ये छह लाइन है नवोकार मंद से भी ज्यादा महिमा वाली है। रोजीना 108 दफे इसका पाठ करना चाहिए। और ये पागलपन में नहीं लिखी है, जानो जानो फिर जानो फिर जानो फिर, एक एक जानो में उसका बिल्कुल विशिष्ट अलग अर्थ है। क्या देखो फिर पढ़ता हूं, अब ध्यान से सुनना। आत्मा का कार्य मात्र जानना है, फिर इसी का अर्थ कर रहे स्वपर को जानना है। जानना माने ऐसा नहीं अकेले स्व को जानना कि अकेले पर को जानना, स्वपर को जानना है। इसलिए मात्र जानो माने फिर और आगे मत बढ़ो, उसमें राग मत करो, देश मत करो, समझे ना। जानो जानो और जानो, तीन दफे जानो जानो लिखा माने जानते रहो, और जानो पर को जानो, स्वा को जानो, स्वपर को जानो, पर से भिन्न स्वा को जानो, जानो और जानते रहो, अपने को अपना मानकर जानते रहो, लगातार जानते रहो और कुछ भी नहीं करना है। इसी से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सभी हो जाएंगे, और न केवल दर्शन मोह अपितु चारित्र मोह का भी नाश हो जाएगा। तुम स्वयं पर्याय में भी भगवान बन जाओगे, स्वभाव से तो भगवान हो ही, पर्याय में बनना है सो इसी प्रकार स्वा को जानते रहने से पर्याय में भी भगवान बन जाओगे,
सर्वज्ञ वीतरागी हो जाओगे। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि मोह के नाश का उपाय एकमात्र निज भगवान आत्मा को जानना है, ये नसीब हो गया। और अधिक आगे जाए, देखो सुनो क्या है, अपने आत्मा को जानना है और अधिक आगे जाए तो इसमें द्रव्य गुण पर्याय से परमात्मा के स्वरूप को जानना भी शामिल कर सकते हैं। अनंत को भी द्रव्य गुण पर्याय से जानो, ये भी कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ना तो उपचार में उपचार होगा, ये भी उपचार है। कौन? अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानना। निश्चय क्या है? अपने को जानना। उपचार क्या है? अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना। अब और कुछ जानना वो उपचार में उपचार हो, उसके लिए समय सार पढ़ना, ये उपचार में उपचार हो गया। समझ गया? फिर आगे जितने बढ़ते जाओगे फिर उसके लिए समय सार खरीदना, फिर उसके लिए समय सार छपाना, क्यों? ये सब धर्म होते जाएंगे ना, उपचार में उपचार में उपचार में उपचार में, तो ये उपचार में उपचार होता जाएगा ना। इसकी क्या दुर्दशा होती है जानते आप? देखो मैं बताता हूँ आपको कि अपने मामा है, और मामा के साले कौन है? क्या बोलते हैं अपन, सब बोलो। बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, और जगह जहाँ जहाँ के ही लोग यहाँ बैठे हों, अपने मामा और मामा के साले को भी मामा बोलते हैं ना। लेकिन ये हो गए निश्चय मामा और वे हो गए उपचार मामा। फिर उस साले के साले क्यों, फिर क्या बोलेंगे? तो उसे भी मामा ही बोलेंगे और क्या करेंगे। तो एक हो गए निश्चय मामा, एक हो गए उपचरित मामा, और दूसरे हो गए उपचरित में उपचरित मामा। तो उनके साले ऐसे 10 लगाओ, उनके साले उनके साले उनके साले उनके साले, तो जितने ही उपचरित में उपचरित उपचरित में उपचरित, आखिर अंत में वे कुछ नहीं रहेंगे। क्या छोड़ो, बंद करो, माथा खड़ा मत करो। फिर आप ही कहने लगोगे कौन से आपकी रिश्तेदारी है, काय की रिश्तेदारी है, हमारे मामा के साले के साले के साले हैं, काय की रिश्तेदारी ऐसी कहें। फिर बाद में तो कहने लगोगे है ही नहीं, आखिर एक जगह तो ऐसी आएगी ना। उपचार का वजन निरंतर कम होता जाता है कि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। और वास्तव में तो अपन अभी हिंदी प्रांत का उदाहरण लगा लेना समझने के लिए, महाराष्ट्र एक जगह गौण हो जाना कि अपने मामा की लड़की से तो अपन शादी नहीं कर सकते हैं, ये तो नक्की है ना। हिंदी प्रांत में वो बहन है, पर लेकिन मामा के साले की लड़की से यदि गोत्र बचता हो तो कर सकते हैं। समझ गया? तो इसका मतलब असली बात तो यही खत्म हो गई, असली मामा ही तक खत्म हो गई ना। हमने जिसे उपचार से मामा कहा था वो मामा तो निकला ही नहीं, क्योंकि उसकी लड़की तो हमारी बहन हुई नहीं, और उससे तो हम शादी कर सकते हैं। समझ गया? तो हमारे व्यवहार में भी निश्चय है, भले ही हम उसे मामा कह देंगे लेकिन मामा मानते नहीं हैं, और फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाए तो कुछ मतलब ही नहीं है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि मोह के नाश का उपाय एकमात्र निज भगवान आत्मा को जानना है, और अधिक आगे जाए तो इसमें द्रव्य गुण पर्याय से परमात्मा के स्वरूप को जानना भी शामिल कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ना तो उपचार में उपचार होगा। शायद तुम घर पर पढ़ते तो इसका पूरा अर्थ नहीं समझ पाते, अब तो समझ लिया ना, अब तो आना चाहिए। प्रश्न, ये जो बातें ये पढ़ पढ़ के सुनाए तो अच्छी आता है, क्योंकि इतने मौखिक में ध्यान नहीं रहे, याद नहीं रहती हैं। लेकिन हम अभी भरी सभा में 1000 आदमी बैठे हों तो नहीं कर सकते ऐसा, अभी तो अपने विद्यार्थी हैं तो कर सकते हैं अपन। आत्मा और परमात्मा की पर्याय में कोई अंतर नहीं है, यह बात गले नहीं उतरती, क्योंकि हम कहाँ रागी देसी अल्पज्ञ और वे कहाँ वे वीतरागी सर्वज्ञ। अब तुम कहते हैं अंतर नहीं है, हमारी और उनकी पर्याय में जो अंतर है
वह तो आपको स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है और उक्त अंतर को समाप्त करने के लिए ही अपना यह सब पुरुषार्थ है। अब रही बात अंतर नहीं होने की, सो यहाँ जो द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप बताया है उससे यह बात स्पष्ट है कि अन्वय सो द्रव्य, अन्वय का विशेषण गुण और अन्वय का व्यतिरेक पर्याय है। है और है निरंतर होते रहने का नाम अन्वय है। सत्ता स्वरूप वस्तु निरंतर ही विद्यमान रहती है। भगवान आत्मा भी सत्ता स्वरूप वस्तु है और वह भी अन्वय रूप से निरंतर रहता है, इस कारण द्रव्य है वो। हम द्रव्य क्यों हैं? हैं और हैं इसलिए द्रव्य हैं, है ना। अन्वय रूप से विद्यमान वस्तु की अन्वय रूप से रहने वाली जो विशेषताएं हैं वे गुण हैं। हम में ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान भी अन्वय रूप से रह रहा ना लगाता है। भगवान के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण आत्मा में निरंतर रहते ही हैं। विगत पर्याय में वर्तमान पर्याय का नहीं होना ही अन्वय का व्यतिरेक है। द्रव्य और गुणों के समान अन्वयों के व्यतिरेक भी अरहंत के समान अपने आत्मा में सदा रहते हैं। जिस प्रकार अरहंत भगवान की पर्याय प्रतिसमय पलटती है, उसी प्रकार हमारी पर्याय भी प्रतिसमय पलटती है। पर्याय का स्वभाव ही पलटना है। वस्तुतः पलटने का नाम ही पर्याय है और आत्मा और परमात्मा के समान है, और जो आत्मा और परमात्मा में समान है उनकी भी पलटती रहती है। सिद्ध हो गए तो उनकी भी पलटती रहती है प्रति समय। प्रश्न बहुत प्रश्न है। यदि आप कहते हो कि हम अनंत भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से समझ लेंगे और अपने आत्मा को भी उसी प्रकार समझ लेंगे, पर इससे मोह का नाश कैसे हो जाएगा? वो समझता मोह तो वहां अलग बैठा है और यहाँ तो समझ में ही काम हो रहा है, हमने ये समझ लिया कि ये हमारा मामा है, तो ऐसा समझने से हमारी शादी कैसे हो जाएगी? वो शादी होने को काम मानता है, उधर काम मोह का नाश कैसे हो जाएगा? यानी उसकी समझ में ये नहीं आता कि हम ऐसे चुपचाप यहाँ बैठे समझते रहेंगे तो इससे हमारा काम हो जाएगा, उसकी समझ में ये नहीं आता, है ना। देखो मात्र समझने से मुहे का नाश हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। दृष्टि के विषयभूत अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को सही रूप से समझ लेने पर यह भी समझ में आ जाएगा कि यह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। यह स्पष्ट हो जाने पर जब तक जिन देहादि पर पदार्थों में और आगादि विकारी भावों में अपनापन था वह नियम से टूट जाएगा। अब वो टूट गया, वो मुहे का नाश होना है। पर और विकार में अपनेपन का नाम ही मुह है, मिथ्यात्व है, और अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में अपनेपन का नाम ही मुहे का नाश है, सम्मान दर्शन है। अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हमने समझ ली कि ये मेरे पिताजी नहीं है, हमने पहले पिताजी समझ दिया था, तो वो कहता ऐसे समझ लेने से अज्ञान का नाश कैसे हो जाएगा? अरे ये अज्ञान था कि उसे मैंने उनको मैंने पिताजी मान लिया था, और इस अज्ञान का नाश नहीं हुआ। अब ये समझ लेंगे कि मेरे पिताजी नहीं है तो ये अज्ञान था, इसका नाश हो ही गया है ना, अलग से क्या नाश होना है, हैं? अतः यह स्पष्ट ही है कि पर और विकार से अपनापन टूटते ही तथा अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में अपनत्व आते ही मोह का नाश होना, मिथ्यात्व का नाश होना, सम्यक दर्शन का प्राप्त होना अनिवार्य ही है। एक प्रकार से परस में से अपनत्व टूटना और मोह का नाश होना एक ही बात है। इसी प्रकार अपने में अपनापन होना और सम्यक दर्शन होना एक ही बात है। वस्तुतः बात यह है पर से अपनत्व टूटने और मोह के नाश होने का एक काल है। उक्त दोनों कार्य एक समय में ही होते हैं, दो कार्य ही नहीं है, कार्य ही एक है। जब मिथ्यात्व रूप दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है तो आत्मा में परमे अपनत्व रूप मिथ्यात्व भाव होते हैं, और जब परमे अपनत्व रूप मिथ्या भाव होते हैं तो उनके निमित्त से मिथ्यात्वादि द्रव्य कर्मों का बंध होता है। यह दुष्चक्र ही मोह की प्रबल ग्रंथि है, गांठ, देखिए मोह की गांठ है, है ना। जो अरहंत भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से जानकर
उसी प्रकार अपने आत्मा को जानने से शिथिल होती है। पर से भिन्न अपने आत्मा में अपनापन स्थापित होकर अपने आत्मा में ही रमने जमने से टूटती है, फूटती है, नष्ट होती है। कहते ग्रंथि भेद, तो ग्रंथि भेद का ये उपाय है। अब ये अपनी 81वीं गाथा, कल अपन 81वीं गाथा चलाएंगे। अब 80 से अपन पार हो रहे हैं।